सो हेलो गाइज एंड वी आर बैक विथ अनदर रिएक्शन वीडियोज। तो आज हम लोग फिर से कुछ फनी वीडियोज देखेंगे जिम से रिलेटेड, ऐसे अदर स्टफ्स नहीं, एंड देन हंसेंगे एंड उसके साथ साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि इन्होंने क्या गलती की, क्या करके सही कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हंसेंगे मजे करेंगे, चोदी काटेंगे। हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना चोदी। अच्छा कर क्या रहा है ये, कौन सा एक्सरसाइज है? केवल को मुंह से खींच रहा है ना। अच्छा ये नेक की एक्सरसाइज है, हम सभी को करनी चाहिए। नेक की एक्सरसाइज नहीं, आपके पास जॉलाइन है? जॉलाइन बनाने की तुम भाई साहब, अपन तो आप लोग यही सोच रहे चिंगम खा के जॉलाइन बनाएंगे, ये तो अलग ही तरीके का जॉलाइन था। आप हम लोग कुछ कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन ऐसा है जो चिंगम खा के जॉलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तो अब तक चिंगम से ही सोच रहा था, ये नई एक्सरसाइज कल ट्राई करेंगे अपन, ट्राई करके इंस्टाग्राम के स्टोरी में वीडियो डालेंगे, देख लेना। और अगर नहीं डाला मतलब कि नहीं ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मार रहा है क्या इसको भाई? ये सब बकवास की चीज़ें। सबसे पहले इससे पहले भी करेक्शन नहीं बताया भाई, ऐसा कुछ करने से ये दांत से खींचने से कोई जॉलन नहीं बनता है ना, तो ये चीज़ें को भूल जाओ। और ये जो दूसरी ये जो दिख रही है ना, ये बेंच प्रेस नहीं हो रहा है, ये वो जो होता है ना हार्ट अटैक आता है तो वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सी पी आर दिया जा रहा है भाई। तो ऐसा कोई बेंच प्रेस नहीं होता है। तो अगर ऐसा गलती आप लोग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं सब इन फ्यूचर, फनी वीडियोस के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए है ना, इंगेजमेंट लेने के लिए, बट सच में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये इंजरीज के बहुत चांसेस है, पता चला उसका चेस्ट में कल को हो गया खत्म। रुको रुको, आई गॉट अ बेटर एक्सप्लेनेशन। क्या? सो मेरे को लग रहा है ना कि शायद जो कर रहा है एक्सरसाइज वो बॉयफ्रेंड है, और जो करवा रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। बात सही है, ये भी हो सकता है, एकदम सिचुएशन पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। गजब मार छोड़ दे भाई, छोड़ दे। और वो बंदा भी किया जा रहा है पूरा। हैं, एक सेकेंड, ये फिर से देखने दो, फिर से देखने दो। ओ भाई साहब, चचा चचा चचा, ये क्या था भाई? ना हैम्स के लिए था, ना लोअर बैक के लिए था, और क्या हो सकता है? यही दो चीज ट्रेन करते हैं इसमें। हाइपर एक्सटेंशन करने के लिए प्रॉपर आप थोड़ा नीचे जाओ स्लोली, ऊपर पूरा नहीं आना है ना। ये तो चचा झूला झूल रहे थे जैसे बचपन में हम लोग पेड़ में उल्टा लटक के झूलते थे ना, वैसा झूल रहे थे। आपने करा इतने अच्छे से एक्सरसाइज, आपने करा ये है नया एक्सरसाइज जिससे करते पूरे बॉडी का एक बार में फैट बर्न। ओ भाई सही बोला, पेट से लेकर के, मतलब पेट नहीं, कोर से लेकर के लेग्स और सर हाथ पैर, और अगर दुनिया से उठ गए तो पूरा शहर सब कुछ बर्न हो जाएगा। अरे मस्त मजा आ जाएगा एक बार देख के हंस। ये क्या तरीका है और करना क्या चाह रहा है भाई ये? जैसे वो चचा कर रहे थे लोअर बैक वैसे। और ये वाला तो बेस्ट है, इसके ऊपर तो मैंने रील भी बनाया है भाई, देखा नहीं तो देखो यार जाकर के, इसके ऊपर रील बनाया मैंने, थोड़े से क्लिप काट के मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इतना तगड़ा ये एक्सरसाइज, इतना मैंने भी जब रील बनाने समय किया ना भाई साहब, उसी की वजह से मेरी बॉडी बनी है। मस्ट ट्राई एक्सरसाइज है ये, जो भी मसल्स हैं इतने अच्छे से मसल डेवलप होंगे ना, इतने अच्छे से ट्रेन होंगे ना। जोक्स अपार्ट, बकचोदी है ये और कुछ नहीं है। साला करना क्या चाह रहा है ये, को एब्स ट्रेन कर रहा है कि कुछ सीख रहा है करने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा है। अगर कुछ सीख रहा है तो अच्छे से सीखो। स्ट्रेंथ बना रहे भैया उस चीज को लेके। Practice makes perfect. अभी से प्रैक्टिस कर रहा है कि इस पोज में हम कैसे सही रह सकते हैं। हो सकता है 10 दिन बाद उसकी शादी होगी। Maybe. भाई ये सब तो जिम में, घर में प्रैक्टिस करो सालों। गजब, लेकिन बाइसेप भी मार लिया, ट्राइसेप भी मार लिया, वो पुल जो होता ना, पुल क्या बोलते उसको, पावर क्लीन, वो सब भी प्रैक्टिस कर लिया। ये बस जर्क नहीं कर रहा है, कौन सा जर्क पता नहीं, बट जर्क ही कुछ तो। अंकल को देखते हैं, इनका तो मजाक नहीं बना सकते, लेकिन अंकल क्या करना चाह रहे हो आप? बाइसेप शोल्डर क्या करना चाह रहे हो? झूलना चाह रहे हो पीछे की ओर? कुछ तो यूनिक है जो हमें नहीं पता। हाँ बट कैसे करते ये
ऐसे तो काम रेजेस भी नहीं होते। घंटा ये पीछे वाला बंदा फील लेना चाह रहा है और कुछ नहीं। जब जिंदगी भर बॉयज हॉस्टल में हो और एकदम बाद में आओ और मैकेनिकल के लौंडे जब सिविल के लौंडे हो तो यही करते हैं। वैसे सोचते कोई एक्सरसाइज में भी फील ले लिया जाए। फील है भाई, फील है। भाई साहब काफ रेजेस मार रहे, क्या तगड़ा काफ बन रहा होगा या कुछ और ही बन रहा होगा। ग्लूट सब बन रहे भैया। ये बहुत सही था भाई, ट्राई करना, कोई बताना, हम लोग नहीं करेंगे ट्राई। कसम से बॉडी देखो। एक चीज़ एक चीज़ ये देखते हैं, क्या मारना चाह रहे क्या उसको? वो कोर बना रहा है। ओ भाई साहब, ऐसे कोर पे कस के मारने से कोर बनता है क्या? शायद बनता है। बन रहा है क्या? कुछ नहीं बन रहा भाई, मैं मार के देखूं। हम नहीं करते ये सब भाई। नॉर्मल अगर ऐसा कुछ करना है तो वेटेड डिक्लाइन क्रंचेस करो कि आराम से वेट को यहाँ पे रख के थोड़ा उठे, ऐसे आगे की ओर झुके, है ना, फिर नीचे अच्छे से एक्सेल एक्सेल करो, एक्सेल आउट करो प्रॉपर। ये सब बकचोदी है, बस देख के मजे लो जैसे हम लोग ले रहे हैं। ओ भाई लड़की है क्या ये? अरे गजब गजब चाचा, गजब भंगड़ा डांस। लड़की नहीं है? अच्छा हाँ, लड़की नहीं, लड़का है। लड़की इतना 25 kg का डंबल या 20 kg का डंबल कहाँ से ऐसे करेगी। बट भंगड़ा डांस मस्त, शोल्डर प्रेस ये बहुत अच्छा तरीका था। यही वाला रैक पुल करना है आपको अपने पार्टनर के साथ। अभी कौन सा आपका पार्टनर पहली बता रहे हो? अरे तो बोल लेते तो मुझे नहीं आ रहा। कौन से पार्टनर के साथ आपको करना है ये आप डिसाइड कर लेना, लड़का पार्टनर, लड़की पार्टनर, है ना, या जिम पार्टनर आपका जो जिम बड़ी है। बट ये वाला रैक पुल आपको करना है भाई साहब, ऐसे ही सपोर्ट देना है। आपको ज्यादा मोटिवेशन दे रहे हो, कल से मैं आऊंगा नहीं जिम साथ में। हम लोग रैक पुल करते ही नहीं है, किया है आज तक कभी? नहीं, हमने नहीं किया आज तक रैक पुल। हम लोग इसीलिए नहीं करते, ये ऐसे सपोर्ट नहीं लेना चाहते हम लोग। भाई साहब कौन सा रैक पुल हो रहा है, कहाँ पुल हो रहा है भगवान ही जाने, क्या पुल हो रहा है वो भगवान ही जाने। बस इंगेज हो रहा है तो ग्लूट्स और किसी के क्वाड्स, किसी के हैम्स। नहीं बेटा, जो सही चीजें इंगेज हो रहा है वो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। इंगेज हो रहा है बट बोल नहीं सकता मैं। भाई साहब गजब का जो उसको देख के डेड हो चुके हैं भाई, तेरी भूत का। इसका कल ही ब्रेकअप हुआ और ये आज आके गुस्सा निकाल रहा है। हाँ ये चाह रहा है ना इसका लेग्स ना बने ना बने, मशीन टूट जाए ताकि कोई और ना कर पाए, कोई और बॉडी ना बना ले। या फिर इसको अपनी गर्लफ्रेंड का याद आ गया होगा कि वो भी इसी लेग प्रेस मशीन पे आके लेग प्रेस किया करते थे अपने ग्लूट्स अपने हैम्स बनाने के लिए। तो बेचारा तो सोच रहा है ये मशीन तोड़ दे। भाई क्या बदतमीजी है भाई, तमीज से लेग प्रेस करो। अगर नहीं समझ में आता है फॉर्म पूछो अपने ट्रेनर से, हमारे पुराने वीडियोस देखो, उस पर प्रॉपर फॉर्म डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो उस तरीके से करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, डेडलिफ्ट। अरे गजब, ठीक है मैं ओ भाई हाँ वो ये मेरे को लगा मैं बोलने वाला डेडलिफ्ट के लिए। चलो ठीक है, मतलब होता है कि औकात से ज्यादा या कभी पीआर ट्राई कर रहे तो ऐसा फॉर्म चल जाता है, तो मैं बोलने वाला था चलो ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं चलता है कि मार के वो तो गिर गए पलट गए, भाई मत मारो फिर, क्यों मारना ऐसा है? एक तो समझ नहीं आ रहा है ना, लोग इतना घुस गए ना कि डेडलिफ्ट के पीछे कि हमको इतना मारना इतना मारना इतना मारना है। भाई वेटर फॉर्म के साथ अच्छे एक वेट से मारो, साला 5 साल से वर्कआउट करते हुए अभी भी जाके अच्छे से 170-180 नहीं होता है। हाँ लोग 4 दिन आते हैं जुम्मा, हमारे जिम में भी हैं कुछ लोग जो अभी बच्चे हैं और पैर बढ़ा के बच्चे हैं, 170 मारे ना, 190 मारने वाले अगले दिन में। भाई ऐसा मजाक नहीं है, वर्कआउट करना एक मजाक नहीं है ना। और क्या सोचते हो कि एक दिन में स्ट्रेंथ 40-50 kg हम बढ़ा के अगले दिन मार देंगे? आज एक 40 तुमसे सही से नहीं लग रहा है, तुम नेक्स्ट जो 190 मारोगे तो ऐसे ही मारोगे और उसके बाद ऐसे ही गिरोगे, डेड डेडलिफ्ट लगे ना लगे डेड जरूर हो जाओगे। कहाँ रेस्ट इन पीस हो जाओगे भैया, तो ध्यान दो। एक और वीडियो देखेंगे बस, इसमें क्या है, झूला झूलेगा क्या?
भाई साहब ये ले ले, इसको 50 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। ये बंदा अल्टीमेट था। अरे बॉक्सिंग करना तो हर जिम में बॉक्सिंग पंचिंग बैग होता है भाई, जाके करना है, ये रोप के साथ कर रहा है। भैया खेलो दिमाग से, उसे चोट भी नहीं लग रहा होगा। हाँ, और प्रैक्टिस भी हो जा रहा होगा, है ना? तो हम लैपटॉप पे करते हैं। हाँ, चोट भी नहीं लगेगा और भूल जाएगा। दिल पे यार, दिल पे चोट लगेगी। तो देख के मजा आया, हमें बहुत मजा आया। आपको आया नहीं आया आप देख लो भाई, हमें बहुत मजा आया, आपको भी मजा आएगा। अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। क्या समझना? कि ऐसे बकवास की हरकतें नहीं करनी है। जिम जा रहे हैं अगर आपका कोई एम है तो बेलन गुड, तब तो फिर आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बस जाते हैं टाइम पास के लिए, कैलरीज बर्न करने के लिए, ताकि थोड़ा कुछ ज़्यादा खा सकें। तो भाई जाओ, फोकस करो उसी चीज़ पे, ये सब हरकतें करने पे नहीं, है ना? मतलब मैं ऐसा किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि आप करते ही हो, बट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप नहीं करना, बहुत आपको लिए मतलब हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए। आप बहुत ज़्यादा इंजरी ले सकते हो। जैसे वो डेडलिफ्ट करके वो गिरा बंदा, जिस तरीके से उन्होंने डेडलिफ्ट किया, लोअर बैक तो वैसे ही गया। अच्छा वो जाके गिरा वो डंबल रैक पे, तो और पता नहीं क्या क्या गया होगा भाई, बताओ। वो लेग प्रेस जो कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? कल को फिर जॉइंट्स में ना वही डंडे लेके चलने पड़ेंगे भाई। तो ये सब चीजों का लेके चलने पड़ेंगे, उसके जो जॉइंट नी के जो कटोरी है ना वो हाथ में आ जाएंगे। हाँ, उसके तो एक और वो जो कर रहा था, क्या बोलते हैं वो पूरा स्विंग हाइपर एक्सटेंशन, कुछ नहीं है भाई। ये कौन सी एक्सरसाइज कहाँ से देखते हैं लोग, कहाँ से सीखते हैं, समझ नहीं आता है। जिम जाने से पहले थोड़ा रिसर्च करो। लाइक हम लोग जैसे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको एक बेटर फॉर्म के साथ एक्सप्लेन करके साथ हमेशा एक्सरसाइज दिखाते हैं। स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करो, एक दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं करता है। तो इस चीज़ को ना ध्यान में रखना है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो देख के आप कुछ सीखो, एंड क्या सीखा आपने कमेंट आउट करो। अगर आपको मज़ा आया, बस आपने एंजॉय किया, बस फन के तौर पे देखा, तो वो भी आप कमेंट आउट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, अपने किसी तीन चार, एक के नहीं, तीन चार दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।